नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ अपडेट में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपके पास पूरा अखबार पढ़ने का टाइम नहीं होता, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के अखबार की कुछ प्रमुख खबरें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, आज है 20 अगस्त और आज की पहली खबर के साथ शुरुआत करते हैं। पहली खबर कोरोना से लेकर आ रही है। बता दें, पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। कोरोना का पूरे विश्व में आंकड़ा 223 लाख के पार पहुँच गया है, जहाँ 64.69 लाख लोग अभी भी कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 7.85 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। अकेले भारत की बात करें तो भारत में तकरीबन 27.90 लाख इसके मामले सामने आए हैं, जिसमें से 6.81 लाख लोग अभी भी कोरोना से संक्रमित हैं। 20.52 लाख लोगों ने इसको मात दी है, जबकि 53,174 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। पिछले 24 घंटों की बात कर ले तो भारत में कुल 64,531 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,092 लोगों की मृत्यु हुई है। चलिए दोस्तों, दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, सीबीआई ही करेगी सुशांत की मौत की जांच। बता दें कि पटना पुलिस के एफआईआर दर्ज करने पर और सीबीआई को देने पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। बता दें कि सुशांत की मौत के संबंध में अगर कोई और एफआईआर दर्ज होगी तो उसकी जाँच भी सीबीआई ही करेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि सच सामने आने से दिव्यंगत आत्मा को शांति भी मिलेगी। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब राजधानी में खुलेंगे होटल, साप्ताहिक बाजार भी होंगे शुरू, लेकिन जिम और योगा संस्थान रहेंगे बंद। बता दें कि लंबे इंतजार के बाद अब दिल्ली के सभी होटलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, साथ ही साप्ताहिक बाजारों का संचालन भी शुरू किया जाएगा, मगर जिम और योगा सेंटर पर अभी पाबंदी जारी रहेगी। तबलीगी मामले में दिल्ली मुंबई समेत कई स्थानों पर मारे गए छापे। बता दें कि परिवर्तन निदेशालय ईडी ने तबलीगी जमात मरकज के प्रमुख मौलाना साद कंदवी को अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दिल्ली मुंबई समेत कई शहरों में छापेमारी की है। अब सरकारी भर्तियों के लिए होगा एक कॉमन टेस्ट। बता दें कि अब ग्रुप बी और सी के लिए एक राष्ट्रीय एजेंसी कराएगी इम्तिहान। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन की केंद्र सरकार ने दी है मंजूरी। चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या इसकी अहम खूबियां होगी। तो सीईटी की अहम खूबियां जो होंगी, उसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी साल में 2 बार कराएगी सीईटी का आयोजन। रजिस्ट्रेशन से लेकर परीक्षा व मेरिट लिस्ट सब कुछ आएगा ऑनलाइन। 12 भाषाओं में दिया जाएगा विकल्प, पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। 10वीं 12वीं और स्नातक पास आवेदकों के लिए होगी अलग अलग टेस्ट। टेस्ट के तुरंत बाद मिल जाएगा नतीजा। अधिकतम उम्र सीमा तक कई बार दे सकेंगे आप यह परीक्षा। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा की नई व्यवस्था पर छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों को जिज्ञासा अब होगी शांत। बता दें कि लोगों के सवालों का जवाब देगी केंद्र सरकार। जम्मू कश्मीर में घाटी से अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियां अब होगी वापसी। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा हालात की समीक्षा के बाद लिया यह अहम फैसला। 92 अतिरिक्त कंपनियां पहले ही वापस भेजी जा चुकी हैं। पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक बनी हरियाणा की जनसंपर्क निदेशक। बता दें कि रियो पैरालंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक को हरियाणा भू संपादक विनायक प्राधिकरण हरेरा गुरुग्राम का जनसंपर्क निदेशक मनोनीत किया गया है। हापुड़ में डिवाइडर से टकराकर कैंटर में घुसी कार, 3 लोग मरे। मरने वालों में दिल्ली मुरादाबाद व उधम सिंह नगर के निवासी हैं शामिल। आगरा में हुई दिल्ली के डॉक्टर की हत्या। बता दें कि प्लाट में ही मिला शव, सिर पर चोट और बाहों पर है खरोचों के निशान। मेडिकल ऑफिसर हिरासत में, शादी के लिए बना रहा था दबाव। दिल्ली में कोरोना से पीड़ित 95% से ज़्यादा बच्चों में है हल्का संक्रमण। बता दें कि एम्स में भर्ती संक्रमितों में बच्चे सिर्फ 2.5% हैं। परिवहन मंत्री अशोक कैलाश गहलोत ने कहा है कि प्रदूषण मानकों को सख्ती से लागू किया जाएगा और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ और तेजी से कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में सड़कें बनी दरिया, डूबी व्यवस्था। बता दें कि रेंग रेंग कर चल रहे हैं वाहन। पुलिस ने ट्वीट कर वाहनों चालकों को दिए हैं सुझाव। आगे बढ़ते हैं। एपीजे स्कूल की दीवार गिरी, 7 गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। बता दें कि बारिश के चलते साकेत स्थित एपीजे स्कूल की दीवार गिर गई। मलबा गिरने से दीवार के किनारे खड़ी 7 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
मुठभेड़ के बाद 1 लाख का इनामी बदमाश आशीष को धरा। बता दें कि रोहिणी में हुआ गिरफ्तार, पिस्टल और कारतूस भी किए गए बरामद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रोहिणी इलाके में मुठभेड़ के बाद 1 लाख रुपए के इनामी कुख्यात बदमाश को पकड़ लिया। आगे बढ़ते हैं, व्यापारियों से डिजिटल संवाद करेंगे आज मुख्यमंत्री केजरीवाल। बता दें कि सुझाव लेकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को बनाएंगे योजना। आपने वार्डों के अध्यक्ष और संगठनों मंत्री को किया नियुक्त। भारत में चरम के करीब पहुंचा कोरोना। बता दें कि एसबीआई के अनुसार 75% रिकवरी रेट है चरम का मानक, 73% तक पहुंच चुका है भारत। कोरोना से निपटने को छोटे शहर व ग्रामीण क्षेत्र भी तैयार नहीं। बता दें कि भारत में कोरोना प्रसार छोटे शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में हो गया है। एक सर्वे के मुताबिक ज़्यादातर लोगों का मानना है कि छोटे शहर और ग्रामीण इलाके कोरोना से निपटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। हांगकांग ने एयर इंडिया की उड़ानों पर 31 अगस्त तक लगाई रोक। अमेरिका ने 100 वेंटिलेटरों की आखिरी खेप भारत को सौंपी। आगे बढ़ते हैं, एमएसएमई के लिए डिस्ट्रेस फंड के दिशा निर्देश किए गए जारी। बता दें कर्ज चुकाने के लिए अक्षम एनपीए हो चुकी एमएसएमई को उभारने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के डिस्ट्रेस फंड के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एमएसएमई मंत्रालय के मुताबिक सभी सरकारी बैंक और कुछ निजी बैंकों को इस फंड के तहत संकटग्रस्त एमएसएमई को लोन देने का निर्देश जारी कर दिया गया। 2 साल बाद गन्ना किसानों को राहत, बढ़ा उनका मूल्य, 1 करोड़ किसानों को मिलेगा अब इसका लाभ। शेयर बाजारों में लगातार तीसरे दिन रही तेजी। 2 ट्रिलियन डॉलर की पहली अमेरिकी कंपनी बनी है एप्पल। बता दें दोस्तों कि दिग्गज टेलीकॉम टेक्नोलॉजिकल कंपनी एप्पल इंक का बाजार पूंजीकरण 2 ट्रिलियन डॉलर यानी 2 लाख करोड़ डॉलर, लगभग 150 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। यह मुकाम हासिल करने वाली वह अमेरिका की पहली कंपनी है। रिलायंस डिजिटल ने नेट मैर्स को अधिकरण। बता दें कि मुकेश अंबानी नियंत्रण रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने ऑनलाइन फार्मेसी नेटमेड्स और उसकी सहयोगी सभी कंपनियों का संचालन करने वाली वाइटलिंक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड का अधिकरण कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की स्वास्थ्य में हुआ सुधार। बता दें कि एम्स में भर्ती हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के फेफड़ों में हुआ संक्रमण। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के फेफड़ों में संक्रमण हो गया, इस वजह से उन्हें तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई है। वे अभी भी आर्मी के अस्पताल में भर्ती हैं। मणिपुर के 5 पूर्व कांग्रेस विधायक भाजपा में हुए शामिल। पंडित जसराज का आज मुंबई में होगा अंतिम संस्कार। पहली बार चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचा पीएसजी। बता दें कि फ्रांस के फुटबॉल क्लब ने सेमीफाइनल में आरबी लाइप्ज़िग को दी शिकस्त। धोनी को विदाई मैच खेलने का मिल सकता है मौका। बीसीसीआई हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए एक विदाई मैच का आयोजन करने को तैयार है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि बोर्ड आगामी आईपीएल में इस मामले को धोनी से बात करेगा और फिर उसके अनुसार ही आगे कार्यक्रम तय होगा। अश्विन को आईपीएल में मैनकेडिंग नहीं करने देंगे, रिकी पोंटिंग का बयान। दिल्ली कैपिटल के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग ने स्पष्ट किया कि वह भारत के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को आगामी आईपीएल के आउट में आउट करने के विवाद तरीके मानकार्डिंग को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देंगे। बोर्ड ने ठुकराई ड्रीम 11 की पेशकश। बता दें कि बीसीसीआई ने बुधवार को घोषणा की कि फैंटासी ड्रीम गेमिंग प्लेटफॉर्म कंपनी ड्रीम 11 इसी साल आईपीएल के मुख्य प्रायोजक होगी, लेकिन कंपनी अगले 2 वर्ष के लिए मुख्य प्रायोजक नहीं रह पाएगी क्योंकि बोर्ड ने कंपनी को 3 साल के प्रायोजक बनने की पेशकश ठुकरा दी है। कंपनी 2021 और 2022 के लिए बहुत ही कम बोली लगा रही थी। राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए पहली बार पैरा खेलों के लिए 8 नाम किए गए। पूर्व भारतीय गोलकीपर भास्कर मोती का हुआ निधन। ब्रेन हेमरेज की वजह से हुआ निधन। 1978 में एशियन गेम्स में भारत को किया था प्रतिनिधित्व।
क्वार्टर फाइनल में वारेंका से मुकाबला करेंगे सुमित नागल। सही साबित हुआ बिहार सरकार का स्टैंड। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत के पिता द्वारा पटना में दर्ज कराई गई FIR को माना सही। 2 माह में जारी किया 2 माह से जारी है सियासी संकट। सीबीआई की राम अरोड़ा नहीं बनेगा BMC। बता दें कि सुशांत मामले में जांच के लिए मुंबई पहुंची बिहार पुलिस की टीम को भले ही मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्वारंटाइन कर तंग किया, लेकिन सीबीआई टीम के साथ वह इस तरह का व्यवहार नहीं कर पाएगी। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का हो, राहुल की बहन प्रियंका भी है सहमत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गांधी नेहरू परिवार से बाहर के शख्स को कांग्रेस पार्टी की कमान सौंपने की वकालत की है। उन्होंने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की राय का समर्थन किया। राहुल ने कहा था कि गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। थरूर और दुबे ने दिए एक दूसरे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस। कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं फेसबुक विवाद से पीछा छुड़ाना। बता दें कि फेसबुक समेत सोशल मीडिया में विभिन्न पार्टियों के कई समर्थक, अमित मालवीय ने मनीष तिवारी पर जड़ा है सीधा आरोप। राजनीतिक सामग्री के नियमन पर फेसबुक कर्मी ही उठा रहे हैं सवाल। ब्रिटेन राष्ट्रपति प्रत्याशी हुए नामित, कहा यह मेरे जीवन का सम्मान। पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में हुई आधिकारिक घोषणा। फेसबुक ने ट्रंप को चेताया, हटा देंगे नफरत वाली पोस्ट। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति का मतलब टीवी देखना, सोशल मीडिया का गाली देना नहीं। हिंदुओं को लुभाने में लगे हैं ट्रंप और जो बिडेन। गुरुग्राम से पन्ना जा रही निजी बस का 34 यात्रियों सहित किया गया अपहरण। बता दें कि ट्रेवल्स कंपनी की खाली बस इटावा के लिए एक ढाबे में से बरामद। 3 बसों में बैठाने के बाद मध्य प्रदेश के छतरपुर से सकुशल पहुंचे यात्री। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारत व चीन के बीच सैन्य तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज फिर से होगी भारत और चीन की वार्ता। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।